रिलायंस जियो, इंफोकॉम, बोर्ड ने टेलीकॉम टावर और फाइबर असेस्ट को दो अलग अलग यूनिट करने को मंजूरी दे दी है। जियो के इस कदम से मोबाइल फोन कंपनी को भविष्य में दोनों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन इंडिया जैसी कंपनियों को टक्कर दी जा सकेगी। मंगलवार को जियो की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए नोटिस में बताया गया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठक में दो स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें फाइबर और टावर अंडरटेकिंग को आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये ट्रांसफर आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए किया जा सकेगा। बता दें कि जियो के पास 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर रूट पर फाइबर और लगभग 2,02,000 टावर हैं, जिसमें 1 लाख टावर जियो के अपने और अन्य टावर रिलायंस कम्युनिकेशन और थर्ड पार्टी टावर कंपनियों के हैं। लेकिन अभी जियो के अधिकार वाले टावर ही नए यूनिट को ट्रांसफर हो सकेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि आरकॉम के फाइबर और टावर भी नए यूनिट का हिस्सा होंगे। आरकॉम ने अपने 1,69,000 किलोमीटर रूट का फाइबर असेट जियो को बेच दिया है, साथ ही अपने 43,000 टावर को भी बेचने की तैयारी में है। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।